नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है स्विट्जरलैंड की संविधान, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। देखिए, हमने स्विट्जरलैंड के बारे में विशेषताएं पढ़ ली, छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं वो पढ़ लिए, और आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहला टॉपिक आज हम करेंगे संयुक्त अधिवेशन। स्विट्जरलैंड में संयुक्त अधिवेशन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, जैसे कल हमने स्विट्जरलैंड की संघीय सभा यानी संसद कर लिया था, तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो हमने वहाँ की संसद यानी व्यवस्थापिका कर ली है, वहाँ की संसद को फेडरल असेंबली या संघीय सभा का कहते हैं, हमने कर लिया था। इसके दो सदन होते हैं, एक प्रतिनिधि सदन होता है, एक सीनेट होता है, कितना कार्यकाल है, कौन निर्वाचन करता है, हमने ये सब पढ़ लिया है। देखिए, आज जो हम करेंगे वो देखेंगे कि टॉपिक बनता है, छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड में संयुक्त अधिवेशन का क्या प्रोसीजर है, संयुक्त अधिवेशन कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख डाला है। वैसे तो ये जो लिखा है केवल ये बहुत है, ये सफिशियंट है इनके उत्तर देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए तुम्हें पढ़ के बताती हूँ कि क्या है स्विट्जरलैंड में संयुक्त अधिवेशन। तो यहाँ पे देखिए, निम्न परिस्थितियों में स्विट्जरलैंड में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। चार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसके द्वारा अपने जो ऐसी परिस्थितियाँ होने पे स्विट्जरलैंड में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। एक नाम आएगा संयुक्त सम्मेलन समिति। देखिए, संयुक्त सम्मेलन समिति है वो क्या करती है, जब दोनों सदनों में, कौन से दोनों सदन, हमने कर लिया था संघीय सभा के दो सदन, फेडरल असेंबली के दो सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, तो दोनों सदनों में जब मतभेद हो जाता है, कानून निर्माण से संबंधित मतभेद हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए एक समिति, संयुक्त सम्मेलन समिति की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक नॉर्मल बात है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद में आता है कि केंद्र और राज्य के मध्य जब शक्तियों का बंटवारा होता है, जब केंद्र और कैंटेन, क्योंकि स्विट्जरलैंड में राज्य को कैंटेन कहते हैं, तो केंद्र और कैंटेन के मध्य जब शक्तियों का बंटवारा होता है, उस समय में यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और कोई क्षमादान का मुद्दा हो, यानी किसी अपराधी को क्षमादान करवाना हो, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो हमने देखा कि क्षमादान के मुद्दे पे, ठीक है, और दोनों केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को लेके कोई भी कन्फ्लिक्ट होने पे, उसके अलावा कानून निर्माण से संबंधित यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो संयुक्त सम्मेलन समिति ऐसी होती है जिसकी व्यवस्था की गई है वहाँ पे, और वो क्या करेगी, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे संयुक्त अधिवेशन क्या है। देखिए, हमने देखा है कि संघीय सभा वहाँ की व्यवस्थापिका है, फेडरल असेंबली, उसके दो सदन है और दोनों सदन कानून निर्माण में भागीदारी, कल हमने किया था कि दोनों सदनों की समान शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त अधिवेशन व संयुक्त सम्मेलन समिति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन,
और दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का कानून को लेके, एक समाधान को लेके, शक्तियों को लेके किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो देखिए, हमारे भारत में भी ऐसा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो भारत की बात यदि करते हैं तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो एक बात ये है कि जब दोनों सदनों में कन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुला लिया गया अधिवेशन के लिए, तो दोनों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, दोनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता की बात आती है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो होता है उसका स्पीकर करता है। तो प्रश्न कई बार छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो स्पीकर किसका स्पीकर? निम्न सदन का स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर अध्यक्षता करता है। अभी उसके बाद में ये हमारा संयुक्त अधिवेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक अलग से टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो करेंगे। क्योंकि देखिए, स्विट्जरलैंड का संविधान में मुख्य प्रश्न यही बनता है कि सिद्ध करें कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, तो वो हमें करना है। तो हमारा स्विट्जरलैंड का संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा रूप में नहीं है। और इसके बाद में देखिए, हमने व्यवस्थापिका कर ली, व्यवस्थापिका का संयुक्त अधिवेशन कर लिया। अब संयुक्त अधिवेशन करके व्यवस्थापिका को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक नया टॉपिक है स्विट्जरलैंड की केंद्रीय कार्यपालिका, क्योंकि कैंटेन की कार्यपालिका नहीं, केंद्रीय कार्यपालिका है ना। तो वहाँ की जो कार्यपालिका होती है उसको कहते हैं संघीय परिषद। बेटा ध्यान रखना, एक होती है संघीय सभा, तो संघीय सभा वहाँ की व्यवस्थापिका है, संघीय सभा वहाँ की व्यवस्थापिका है। और एक शब्द आता है संघीय परिषद, तो संघीय परिषद वहाँ की कार्यपालिका है, कार्यपालिका है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं, कहते मैम कार्यपालिका कौन सी है, व्यवस्थापिका कौन सी है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, एक होता है फेडरल काउंसिल और एक होता है फेडरल असेंबली। तो जो फेडरल काउंसिल है या संघीय परिषद है वह स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है, और जो फेडरल असेंबली है वो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है। तो तुम्हें ध्यान में रखना है, हम अभी किसकी चर्चा करेंगे, फेडरल काउंसिल या संघीय परिषद की, जो कि वहाँ की क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। अभी देखिए, तुम्हें बताती हूँ कि जो विश्व में एक बहुत ही मुख्य विशेषताएं जो विशेषता है जो मात्र और मात्र स्विट्जरलैंड में ही है, वो ये है कि हर देश में कार्यपालिका एक सदस्य है, है ना, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुसदस्यीय कार्यपालिका है। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें एक अनोखी विशेषता है कि स्विट्जरलैंड में बहुसदस्यीय कार्यपालिका है। तो कितने सदस्य हैं स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल में, संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, और 7 सदस्य 4 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। जो 7 सदस्य हैं वो 4 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तुम अपने आप करोगी कि यहाँ पे इसका कार्यकाल, यहाँ पे सदस्य संख्या, ये तुम्हें कर लेना है। देखिए, मैं जो तुम्हें मेन समझाने की बात ये है, कहीं से भी तुम पढ़ोगी, बुक में से, पासबुक में से, या जहाँ से भी तुम पढ़ोगी, तो वहाँ पे देखिए ये शब्द आते हैं कि संघीय सभा, संघीय परिषद, बच्चे एक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगी सदस्य की संख्या, वो तुम कर लोगी, सदस्य संख्या। फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्यकाल, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, मैं मेन मेन बात बता रही हूँ। उसके बाद में देखिए, ये जो संघीय परिषद है इसके जो 7 सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं?
तो संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। संघीय सभा वहां की संसद है। तो कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका नहीं, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना है, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो संघीय सभा जो है, संघीय सभा ही संघीय परिषद के साथ सदस्यों का निर्वाचन करती है। फिर देखिए, अब आता है वहाँ की कार्यपालिका कर रहे हैं हम, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है। तो क्या सातों के सातों राष्ट्रपति हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, सातों की शक्ति समान है, सातों की शक्ति बिल्कुल समान होती है, लेकिन ये सात अपने में से ही एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुन लेते हैं। ध्यान से सुनना है कि कार्यपालिका बहुसदस्यीय है, सात सदस्य होते हैं, और सात सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष का होता है, और सात में से ही एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका होगी, लेकिन राष्ट्रपति और अन्य छह की शक्तियां समान होती है। फिर आता है, एक व्यक्ति बार बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका, देखिए स्टूडेंट, एक व्यक्ति बार बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये सात सदस्य हैं। तो पहले अल्फाबेटिक चलेंगे, जिसका नाम ए पर है, मान लो ए पर नहीं है तो बी का, बी पर भी नहीं है तो सी पे जिसका नाम है, तो वो सब सात में से एक जना राष्ट्रपति बन जाता है, और एक वर्ष के लिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, फिर अगले वर्ष दूसरा राष्ट्रपति बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल चार वर्ष का होता है, और ये आज हमने किया है स्विट्जरलैंड का संविधान। बस अब एक टॉपिक रह गया है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दर्शन होते हैं, ये स्पष्ट करना है। तो अब हमने कर लिया है, हमारे टॉपिक हो चुके हैं, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं हो गई है, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा फेडरल असेंबली यानी वहाँ की लेजिस्लेचर हो गई है, स्विट्जरलैंड में हमने कर लिया है संघीय परिषद यानी कि स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव कर ली है, स्विट्जरलैंड में हमने संयुक्त अधिवेशन कर लिया है, स्विट्जरलैंड के हमने छोटे छोटे प्रश्न कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्विट्जरलैंड का एक टॉपिक रह गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले तुम इसे अच्छे से लिख लो ताकि तुम्हारे को ये सहयोग दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पढ़ाई करो, क्योंकि अब तुम्हारे को और तो कोई काम है नहीं, और केवल पढ़ाई घर में बैठ के ही करनी है। तो मैक्सिमम समय देके तुम आराम से इसे पढ़ सकती हो और इसका बेनिफिट उठा सकती हो। कॉलेज वालों ने ये सिस्टम किया है कि बहुत अच्छे से तुम्हें ये चीज़ें मिल रही है, तो मेरे को ये लगता है कि तुम्हें मैक्सिमम अपने जो ज्ञान है वो बढ़ा लेना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, और स्क्रीनशॉट के बाद में इसे अपने रजिस्टर के अंदर उतार लेना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।